गुड मॉर्निंग, कैसे हो? फोटोसिंथेसिस समझ में आया बेटा? ये रिस्पायरेशन प्लांट आज बताएंगे, उसका पहला लेक्चर देखो, पहला पार्ट है तुम्हारा रिस्पायरेशन। सब आदमी जान रहे हो कि ये क्या होता है। तुम्हारा जो फूड फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है, तो उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और उसी ऑक्सीडेशन से क्या होता है, तुम्हारा एनर्जी लिब्रेट होता है। और यहाँ पर एनर्जी जो होता है वो एटीपी के रूप में होता है। तो इसी प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसमें की टर्म के बारे में जानो कि क्या क्या टर्म यहाँ पर यूज होता है। शुरू करें बेटा। ये देखो क्या करता है, टर्म टू देखो, रिस्पायरेशन देखो क्या करता है, द मोस्ट इफिशियंट कैटाबोलिक पाथवे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी। क्या होता है इसमें, ये फूड प्लस O2। अब यहां पर देखो, ये O2 के प्रेजेंस में भी हो सकता है और O2 के एब्सेंस में भी हो सकता है, और ये टूट के CO2 प्लस H2O। और यहां पर क्या होता है तुम्हारा एनर्जी, और यही एनर्जी क्या होता है, एटीपी के रूप में स्टोर हो जाता है जो सेल को यूज करता है। तो ये जो होल प्रोसेस जो रिस्पायरेशन होता है तुम्हारा सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन। ये विद इन सेल होता है, देयरफॉर इट इज नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है। सेलुलर रिस्पायरेशन में देखो जो स्टेज आता है तुम्हारा, तो सबसे पहला स्टेज आता है ग्लाइकोलिसिस। तो देख लो क्या कहता है, ग्लाइकोलिसिस कहता है द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब समझे, सेलुलर रिस्पायरेशन का सिंपली मेन हुआ कि रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेल, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो अनदर प्रोसेस आता है आपका क्रिब्स साइकिल। तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इन व्हिच पाइरूवेट आर ब्रोकन डाउन टू द कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद यहां पर जो जब वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जब टूटता है, तो एनर्जी जो लिबरेट होती है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वही इलेक्ट्रॉन लास्टली क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कन्वर्ट कहाँ चला आता है तुम्हारा, वो एटीपी के रूप में आता है। तो उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो देखो क्या कहता है, द सटलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन टू रिलीज एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी। और एटीपी के बारे में सब आदमी जानते हो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल्स दैट सप्लाइज एनर्जी टू पावर सेलुलर वर्क। उसी में पर होगे तुम्हारा इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, एक अनदर प्रोसेस होता है तुम्हारा फर्मेंटेशन। तो ये भी कैटाबोलिक प्रोसेस है दैट क्रिएट्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ द एटीपी विद द बाय प्रोडक्ट ऑफ द लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। और लास्ट में पर होगे फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोरिलेशन, जो भी बोलो। तो सिंपल फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, आइदर द गेन और द लॉस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, तो उसी को फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। बाद में बताएंगे कि फॉस्फोराइलेशन तुम्हारा दो तरह का होता है, एक सबस्ट्रेट लेवल होता है जहाँ पे डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एक होता है तुम्हारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो थ्रू किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है। समझ में आई मेरी बात? तो ये की आपको पढ़ना था। अब देख लो ये एरोबिक फेज में हमने बताया पर है, और रिस्पायरेशन तुम्हारा दो तरह का होता है, एनएरोबिक। तो एनएरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वहां पे क्या होगा, वो ग्लाइकोलिसिस ही हो जाएगा, स्लो प्रोसेस होता है, लेस अमाउंट ऑफ द एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कोई भी अगर एरोबिक होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये फेज ग्लाइकोलिसिस क्रिब्स साइकिल क्या होगा, साथ साथ चलेगा। ये पढ़ोगे आगे, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो रिस्पायरेशन में दो ही ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है, या तो साइटोप्लाज्म और प्लस
माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये देखो फाइव एनर्जी प्रिंसिपल्स क्या कहता है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा जानना है नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या कहता है, सेलुलर रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन आर टू प्रोसेस दैट यील्ड यूजेबल एनर्जी एटीपी। दूसरा कहता है देखो एटीपी इज रिसाइकल्ड इन द सेल टू बी यूज्ड लेटर, रिडॉक्स रिएक्शन रिलीज एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर साथ साथ होता है। अब देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स फॉल फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू ऑक्सीजन। क्या होता है ये, और यहां पर ध्यान से देखना है, ये इलेक्ट्रॉन्स फॉल का मतलब क्या, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूटता है तुम्हारा, तो उस बॉन्ड टूटने से क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होता है। तो उसी एनर्जी जो लिबरेट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलता है। तो उस इलेक्ट्रॉन, देखो वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो कहाँ लास्ट में आ जाता है, ऑक्सीजन। और क्या कहता है, द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्टेप वाइज वाया एनएडी एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर जो सटलिंग सिस्टम जो बोलते हो तो मेन होता है एनएडी और एफएडी, बाद में बताएंगे ये क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है विथ इलेक्ट्रॉन। अब देखो रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन में क्या करता है, देखो ये कैटाबोलिक प्रोसेस, सब आदमी जान रहे हो कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रोकन इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो ये डिस्ट्रक्टिव होता है, एनाबोलिक का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव, टू और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म द बिग मॉलिक्यूल्स। जैसे फोटोसिंथेसिस, देखो ना CO2 H2O क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। यहाँ पर उल्टा, ये रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है CO2 H2O में। अब देखो क्या करता है, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाई लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, जब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है तो उसके चलते क्या होता है, उससे एनर्जी जो निकलता है, तो क्या कहता है, हाई लेवल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। फर्मेंटेशन ब्रेक्स डाउन मॉलिक्यूल्स व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबल। फर्मेंटेशन जब भी होगा तो इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पर होगी अलग से फर्मेंटेशन। अब देख लो, ग्लूकोज इज द प्राइमरी ऑर्गेनिक फ्यूल, और इसी को सबस्ट्रेट भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना। यहां पर ग्लूकोज क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। तो ग्लूकोज इज द प्राइमरी ऑर्गेनिक फ्यूल दैट विल बी ब्रोकन डाउन, और वेस्ट प्रोडक्ट कंटेन मिनिमम एनर्जी। क्या होता है, वो जो CO2 और H2O जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो निकला, तो उसमें मिनिमम एनर्जी होता है। अब देखो क्या करता है, रिस्पायरेशन ऑकर व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोडक्शन ऑफ द ATP। ये देखो थोड़ा सा तुमको हम दिखा रहे हैं कि वो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में क्या रिलेशन है। कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे का। अब देख लो, फोटोसिंथेसिस पर है वो क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ द सन, सन से लाइट एनर्जी निकलती है, देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। अब वो फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज बनता है। वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, और उसी में क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और फिर उसी माइट्रो, जब वो रिस्पायरेशन होता है तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है CO2 और H2O, और यही CO2 क्या, H2O क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल हो गया। और फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो रिस्पायरेशन के लिए क्या हो गया, तुम्हारा रॉ मटेरियल हो गया। तो ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो देखो क्या कहता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP, और यही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो ये दोनों क्या है तुम्हारा, एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंट है।
अब देखो यहां पर आता है तुम्हारा कि क्या डू प्लांट्स ब्रीथ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग दोनों अलग अलग फिनोमेना है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, ओनली यू टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड। और रिस्पायरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ विद द लिबरेशन ऑफ द एनर्जी। तो ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन रिस्पायरेशन क्या है, तुम्हारा केमिकल प्रोसेस है। तो हमेशा ये याद रखना, ब्रीथिंग अलग है, रिस्पायरेशन अलग है। अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है, क्या प्लांट भी ब्रीथ करता है, तो क्वेश्चन आंसर आता है यस। यहां भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तुम्हारा। तो देखो क्या कहता है, प्लांट्स रिक्वायर O2 फॉर रिस्पायरेशन टू ऑकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे देखोगे दिन में, डे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन लिबरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है। तो दिन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो लिबरेट करता है वो कंज्यूम कर लेता है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा निकलता है तो उतना वो कंज्यूम नहीं कर पाता है, जिसके चलते एटमोस्फेयर में चला जाता है। और फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन ज़्यादा हुआ तो एटमोस्फेयर से भी लिया जाता है। लेकिन नाइट में क्या होता है, वो ब्रीथ करता है, O2 लेगा और CO2 छोड़ेगा। तो नाइट में जो काम प्लांट करता है वही काम तुम्हारा एनिमल करता है। ओके, आगे देखो क्या करता है, प्लांट्स अनलाइक एनिमल हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन फॉर गैसियस एक्सचेंज। प्लांट में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। जनरली तुम्हारा देखोगे लीफ में एस्टोमाटा, स्टेम में लेंटिसेल होता है तुम्हारा, रूट क्या होता है, जनरल बॉडी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। और दूसरा प्लांट क्या होता है, स्टेग्नेंट होता है, तो उसको स्लो एनर्जी चाहिए इन कंपेरिजन टू द एनिमल। एनिमल क्या होता है, ऑलवेज मूव करता रहता है। दूसरा क्या होता है कि पार्ट ऑफ द जो प्लांट होता है तो उसका गैस वो ट्रांसलोकेट नहीं करता, वहीं पे उसका एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, हैव एस्टोमाटा एंड लेंटिसेल, क्लियर है। अब आ जाओ ग्लाइकोलिसिस में। अब देख लो ये ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है, ये फर्स्ट स्टेज तुम्हारा रिस्पायरेशन का है। तो मान लो ये सेल है, ये सेल है और इसी सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। देख लो तो ये ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, हमेशा याद रखना। और यहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O2 ये टूट जाता है पाइरूवेट में, ठीक है। तो इसी फेनोमेना को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, हमेशा याद रखना। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है तुम्हारा, साइटोप्लाज्म में। तो देखो ये क्या करता है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू पाइरूवेट्स एंड टू वाटर मॉलिक्यूल्स। देख लो यहां पर रिएक्शन दिए हुआ है, ये देखो यहां पर छूट गया है एरो, ये देखो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दैट कन्वर्टेड इनटू द पाइरूवेट, ये C3H4O3 पाइरूवेट का C3 जो हुआ 3 कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट होता है। तो ये ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है प्लस 2H2O, 2 ATP एंड 2 NADH एंड 2H+ में। अब दिस रिएक्शन ऑकर इन टू फेज, देखो पहला कहता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, तो इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड, और दूसरा होता है एनर्जी पे ऑफ फेज, 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर क्रिएटेड।
ए टोटल नेट गेन ऑफ टू एटीपी मॉलिक्यूल्स आर ए रिजल्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन द साइटोसोल बिकॉज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फिट थ्रू द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर क्या करता है कि ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों नहीं होता है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इसके चलते ये फिट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में, और देन द पाइरुवेट जो है दैट इन इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और फर्दर जो प्रोसेस होता है तो उसको कहा जाता है क्रेब साइकिल। क्लियर है? अब थोड़ा सा देखोगे ग्लाइकोलिसिस में, ये याद रखना है कि नेट गेन ऑफ एटीपी जो होता है वो 2 होता है, 2 एटीपी वहां पर यूज होता है, क्रिएट होता है 4 एटीपी, लेकिन 2 एटीपी वो क्या करता है, वो यूज कर लेता है, बताएंगे कहां पे यूज होता है। तो नेट गेन आपको 2 एटीपी ही होता है। ये ग्लाइकोलिसिस समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत है तो बोलो। थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा। देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहां पर एक एंजाइम यूज होता है एक्सोकाइनेज, एनसीईआरटी में दिया, याद कर लेना। एक फॉस्फेट लेके क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहां पर एटीपी यूज होता है। फिर देखो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन कन्वर्टेड, ये आइसोमेरिज्म होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम का होता है। फिर देख लो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट अगेन विद द यूज ऑफ द एटीपी, एक फॉस्फेट फिर यहां पर वो लेता है। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट है दैट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ट्रायोज फॉस्फेट, और ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट होता है तो उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, दूसरा एसीटोन ग्रुप बनता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप को कहा जाता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एसीटोन ग्रुप को कहा जाता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दोनों 3-3 कार्बन ही होता है। अब यहां से देख लो 2 साइकिल, और दूसरा ये एक दूसरे से ये इंटरचेंजेबल है, रिवर्सेबल होता रहता है। अब ये देख लो ट्रायोज फॉस्फेट अगेन कन्वर्टेड इनटू 2 ट्रायोज बाय फॉस्फेट, और यहां पर देख लो जब वो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा हाइड्रोजन आयन, तो वो NAD फिर कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H में। ठीक है, फिर देखो ट्रायोज बाय फॉस्फेट अगेन कन्वर्टेड इनटू 2 ट्रायोज फॉस्फेट में, फिर यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्यों, ध्यान से देखो, पहले था ट्रायोज बाय फॉस्फेट, अब बना ट्रायोज फॉस्फेट, यानी सिंपल एक फॉस्फेट आया 3 कार्बन में, तो एक फॉस्फेट यहां से छूटेगा, वो एडीपी क्या करेगा, उसको लेके एटीपी बना देगा आपका। ठीक है, फिर देख लो ये 2 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, फिर फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड, यहाँ भी क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप, फिर यहाँ पर आप फॉस्फेट वहाँ के इन्वायरमेंट में रहता होगा, वहाँ से लेके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटीपी, अनदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है सबस्ट्रेट से। तो अगर इस टाइप का फॉस्फोरिलेशन होता है तो उसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ द फॉस्फोरिलेशन। ये जो NADH देखते हो ये हाई एनर्जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, एक 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द NADH दे लिबरेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम
से एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। तो वैसे एटीपी जब बनता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्लियर हुए? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। ये देखो कन्वर्शन टू एसिटाइल कोएंजाइम में देखो क्या होता है, दिस पाथवे मूव्स फॉरवर्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द O2 अपॉन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थ्रू ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन द टू पाइरुवेट अंडर गो ए सीरीज ऑफ चेन, CO2 इज रिलीज, ऑक्सीडेशन ऑकर्स फॉर्मिंग NADH फ्रॉम NAD, कोएंजाइम ए इज कंज्यूम्ड फॉर्मिंग एसिटाइल कोएंजाइम। कहता है इफ O2 इज नॉट रेडली अवेलेबल द पाइरुवेट अंडर गो फर्मेंटेशन, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, फेटोपाइरुवेट जो होगा या तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा या तो इथेनॉल बनाएगा, जब इथेनॉल बनाएगा तो उसी को कहा जाता है फर्मेंटेशन। अब देखो यहाँ पर प्रोसेस कैसे होता है, सो देखो, अब देखो ये साइटोप्लाज्म में तुम्हारा क्या है पाइरुवेट, तो यहाँ पर पाइरुवेट क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स होगा पाइरुवेट, ध्यान से देखो, तो पाइरुवेट में क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है ये। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड थ्रू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहां इन कर गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो जैसी ये इन करता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिलीज कर देता है, ठीक है, तो जैसी वो रिलीज करेगा, कार्बन रिलीज करने का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हुआ, तो जैसी ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो ये NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH+H में, और यहां पर क्या होता है मैग्नीशियम आयन मस्ट है, और एक कोएंजाइम क्या होता है जो 2 कार्बन, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ध्यान से देखना 2 कार्बन, ठीक है, उसके साथ ये कोएंजाइम अटैच होके क्या बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम, और ये एसिटाइल कोएंजाइम कहां होता है इन कर जाता है कहां, क्रेब्स साइकिल में, और लास्टली क्रेब्स साइकिल का इन प्रोडक्ट जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान से देखोगे यहां पर NADH का जो है 2 जगह बना, एक यहां एक बाहर बना है, तो 2 NADH, तो थोड़ा सा इसका समरी देखो, आप देख लो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में देखो, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स तो 2 ATP यूज किया था, फिर देखो एनर्जी पे ऑफ फेज में आओ तो 4 ATP का फॉर्मेशन देखे, एक साइकिल में ट्रायोज फॉस्फेट का एक तो 2 मॉलिक्यूल्स बना था ना, तो दो जगह ATP डायरेक्ट बन रहा था सबस्ट्रेट लेवल, तो 4 ATP और 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ तो 2 पाइरुवेट में। तो इस तरीके से देखो ग्लूकोज जो है 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, और यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ और 2 NAD देखो 2 NADH का, तो ये 6 प्लस ये तो 8 ATP का फॉर्मेशन तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस में होता है, समझ में आया, इतना ग्लाइकोलिसिस में बेटा पढ़ना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज 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 इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन करो, सब्सक्राइब ही नहीं कोई करते हो तुम लोग, काय क्यों गुस्सा में हो, सब्सक्राइब करो और मित्रों के बीच में फैलाइए, और अधिक अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक साइट पर जाओ www.paramartham.com, सारी जानकारी मिलेगा, आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका PDF नोट भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, नॉट ओनली द बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी सब्जेक्ट हो ज्वाइन तो कीजिए, अब बहुत नॉमिनल चार्ज है। YouTube पर जाओ एक ग्रेविटी फिजिक्स करके ERS कुमार देख के देखो, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, बाय।